करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और ये सच है क्या गलत है या सही में रियल में आया है कि नहीं आया है, इसके बारे में पूरी तरह से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल है, इसमें आपको सारे न्यूज जो है सटीक मिलेंगे, आपको कहीं आपको त्रुटि नहीं मिलेंगे, अगर जो रियल है आपको रियल चीज बताया जाएगा। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक लड़का हमको सबसे पहले एक लड़का हमको स्क्रीनशॉट ये भेजा था व्हाट्सएप में कि सर आप ये रियल नहीं है आप बता रहे हैं, तो आप देखिए इसके बारे में पहले क्या बता रहे हैं, इसके बारे में हम पहले सर्च आपको बता रहे हैं कि क्या है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि लिए डमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है कि किस तरह इस डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में फ़ोन में हम लोगों जानेंगे समेत की ओर से मैट्रिक इंटर 2021 की परीक्षा समय सारणी तथा भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए ध्यान से पहले आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा ये चीज़ जो है आपको, पहले एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। चलिए तो देखिए डमी एडमिट कार्ड को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, किस तरह इस डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना अपने मोबाइल फ़ोन में हम लोग जानेंगे कि समिति की ओर से मैट्रिक इंटर 2021 की परीक्षा के समय सारणी और तिथि भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि ये जो लिखा गया है एक पर्सनल वेबसाइट है जिसका मतलब इसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, आप लोग खुद देखे भी होंगे वीडियोज़ में बहुत सारे वेबसाइट है जो अपने खुद का पर्सनल होते हैं और जो लिख देते हैं कि बिहार बोर्ड का मतलब इसका वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे दिस डेट बहुत सारे लिखते हैं जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होता फिर भी लिख देते हैं और उसके बारे में अपना यानी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रचार करने के लिए वो वीडियोस बना देते हैं और आप लोगों को मूर्ख बना देते हैं। तो ऐसे आप यूट्यूब चैनल से सावधान रहें कि आप लोगों को बार बार यानी आप लोगों को तंग कर रहा है इस तरह से न्यूज़ से आप बचें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, इस तरह की न्यूज़ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है, जो आपके प्राइज में के वीडियो है उस पढ़ाई के वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से रीड कीजिए। तो ये चीज़ है, ये गलत चीज़ है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं हम देखें आपको, हम उसका ये भी दिखा रहे हैं कि उसमें गए हम लोग और आपको चेक करके बता रहे हैं कि उसको कैसे चेक किया जाता है कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम में, तो हम लोग यहां गूगल में आ गए और गूगल में टाइप करते हैं बिहार बोर्ड वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ तो आप मेरा बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और आपको इस टाइप करना है बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करना, ठीक है। जैसे हम यहाँ टाइप किया तो आप सबसे पहले आप क्या इसमें क्लिक कर लेते हैं एक बार, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यानी इंटरफेस आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें सारा चीज़ आपको देखने को इसमें मिलेंगे। चलिए यहाँ आने के बाद हम लोग चलते हैं क्या डेट, उसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं लाटेस्ट अपडेट, ठीक है, यहाँ लाटेस्ट अपडेट है, यहाँ आ गया हम लोग लाटेस्ट अपडेट में। अब देखिए आप 14/10/2020 को यानी 14 तारीख को ये आया हुआ है, 14 तारीख के बाद और कोई बिहार बोर्ड का ऑफिशियली न्यूज़ है ही नहीं और आया ही नहीं, आज हो गया आप लोगों का तारीख, जैसे कि आपको कहता होगा आज कितना तारीख हो गया या 25 से 26 27 तारीख हो गया, लेकिन ये देखिए अभी 14/10/2020 का अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन लाटेस्ट अपडेट आया ही नहीं कि आप लोग उसको देखेंगे। अब सबसे पहले लास्ट न्यूज़ जो है ये 14/10 का है, ठीक है, इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंट्स है विशेष परीक्षा 2019 वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित परीक्षा के अंक पत्र एवं औविधिक प्रमाण पत्र में त्रुटि का सुधार के संबंध में, ये देखिए ये चीज़ है किसका यानी कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए, और ये अभी एडमिट कार्ड के बारे में कुछ यहाँ इसमें आया ही नहीं है, जब तक कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हमको इतना परेशान कर रहे हैं, आप लोग इतना कॉल ना करें बेहतर होगा और इतना हमें व्हाट्सअप में मैसेज ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम खुद परेशान हो रहे हैं और अभी एग्जाम का समय है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियो में ही फोकस रखते हैं। तो गाइस आपको ये पता चल गया होगा कि रियली इसका क्या है, कि गलत है कि सही है, इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मिल गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है क्योंकि अभी देखिए कंपार्टमेंट, अगर जब भी अगर आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट में उसका चेक करना है तो आप लिखिएगा बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, लिखने के बाद आप सर्च कीजिएगा जैसे, तो आपके पास इंटरफेस जैसे आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपके लेटेस्ट यानी लेटेस्ट अपडेट यहाँ दिखता है ना, इसमें आपको आना है लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में आना है और लेटेस्ट अपडेट में आपको क्लिक करके यहाँ नीचे देखना है कि आपको उसमें न्यूज़ क्या है। तो देखिए सबसे लास्ट न्यूज़ जो है वो 14 तारीख का है, तो ये चीज़ ये देख रहे हैं, ये जो बताया गया आप जितने सारे वीडियोज़ में देखें कहीं भी देखें आप लोग डिजिट उतना ही बताएंगे किसका क्या है, तो ये देखिए फेक न्यूज़ है, आप लोगों को बता रहा है, ये सिर्फ मूर्ख बनाया गया आप लोगों को, ठीक है, ये फेक न्यूज़ है। तो अगर आप रियल न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहें, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपको इंटर मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। और आप लोगों को जैसे बता दें कि एक लोग हम लोग क्रेश कोर्स स्टार्ट किए हैं, क्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये क्रेश कोर्स में आपको पहले बता देते हैं सुविधा इसमें क्या है कि क्रेश कोर्स 1 स्टार्ट हो चुका है, क्रेश कोर्स 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला, तो 25 तारीख से एडमिशन पूरा नहीं होने के कारण मतलब 25 तारीख को नहीं हुआ, लेकिन अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 28 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपको सारे
इंपॉर्टेंट नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगे। इसमें आपको मात्र 250 रुपये में एडमिशन करना है और सारा चीज़ आपको फ्री में मिल सकता है। इसमें पूरी आपको क्रेश कोर्स यानी मिल जाएंगे, ठीक है, 250 में आपको पूरी कोर्स मिल जाएंगे। दोस्तों कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो हम लोग मेहनत करते हैं उसी का ही सिर्फ पैसा लिया जाता है आपसे, कोई 250 कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको अगर लेना है तो आप इस नंबर पर एक बार संपर्क कीजिएगा, 9162055090। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर कर दें, मेरे बात को आप फोकस रखिएगा पूरी तरह से। आप वीडियो को यहीं तक मैं एंड करता हूँ। जय जवाहर।